हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भी फ्लाई एप्लीकेशन के बारे में। भी फ्लाई एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है। इस एप्लीकेशन में आप फ़ोटो ऐड करके खुद का वीडियो स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहां पर आप इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एप्लीकेशन का यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको सर्च करना है वी फ्लाई। इस एप्लीकेशन का लोगो कुछ इस तरह का है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिएगा, ये एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, उसे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारा टेम्पलेट्स मिल जाएगा, जिसका यूज करके आप खुद का वीडियो स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं और अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ढेर सारा कैटेगरी मिल जाएगा। ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर है मैजिक कट का ऑप्शन है, लव है, ग्रीटिंग है। इसी तरह से यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर है एमवी है, फनी है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिक कट का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से आप अपने फ़ोटो का कटआउट क्रिएट करके उसमें वीडियो स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये वाला है एलिफेंट राइडिंग है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो स्टेटस क्रिएट होगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो प्लस का आइकन है यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद इस इमेज को आपको इस तरह से छोटा बड़ा करके एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक मार्क में क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारा स्टेटस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर में क्लिक कर देना है तो ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ देर के लिए वेट करना होगा। उसके बाद आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। तो अभी इसे हम बैक कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपको ढेर सारा टेम्पलेट्स मिल जाएगा, आप जिसमें भी चाहे यहाँ पर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा तो आप किसी में भी यहाँ पर स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेटस क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर मेक ए वीडियो में क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्लस के आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पर से आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है जिस इमेज में आप स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन इमेज सेलेक्ट करना होगा, तो हमें यहाँ पर अभी और दो इमेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर मेक में क्लिक करना होगा और हमारा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट करना है। तो हमारा स्टेटस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन में स्टेटस खुद का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा टेम्पलेट्स मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो इसे अभी हम बैक कर देंगे। तो इसी तरह से आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा टेम्पलेट्स मिल जाएगा, आप जिसमें चाहे उसमें खुद का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ पर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।